Hi students, this is Pranindu sir. Today we are going to be solve a very good type of question nowadays coming in the SSC and railway examination from the chapter clock, and that is the gaining of the times. All of the having the gaining of the times, there are some general basis questions, but I am going to discuss a top level question that is nowadays coming in the clock chapter. Let's go and start with that. The question should be like this one. A watch will which gains on uniformly 2 minutes late at noon on Monday. Okay, to make a comfortable to everyone, I am using the Hindi language. तो यहाँ पर क्या दिया गया है? एक घड़ी है जो कि gain करता है. किस तरह से? On uniformly gain करता है का मतलब होता है क्या? कि वो सही घड़ी नहीं है. वो एक faulty clock है. ठीक है? तो ये क्या दिखा रहा है? अब इसको एक diagram के तहत समझ लेते हैं. तो diagram के तहत समझेंगे तो हमें आसानी होगा. वो Monday में इसका रीडिंग लिया गया. जब मंडे के कौन से समय पे रीडिंग लिया गया? नून पे. नून यानी कि 12 बजे इसका रीडिंग लिया गया. तब जब रीडिंग लिया गया, क्या उसमें पता चला कि ये 2 मिनट लेट है. 2 मिनट लेट है यानी कि अगर वो समय जितना होना चाहिए उससे वो 2 मिनट्स लेट है. अब ये लेट को मैंने माइनस की तो यहां पर सिंबलाइज कर लिया. ठीक है, लेट को यहां पर मैं माइनस की तो सिंबलाइज कर लिया. अब क्या देता है? अब ये बताता है मुझे एंड 4 मिनट 48 सेकेंड फास्ट एट 2 PM. 4 मिनट 48 सेकेंड फास्ट एट 2 PM यानी कि और कौन से दिनों में? ऑफ द फॉलोइंग मंडे. यानी कि फॉलोइंग मंडे का मतलब क्या होता है? ये वाला मंडे नहीं, इसका अगले हफ्ते जो मंडे आने वाला है, इसके अगले हफ्ते जो मंडे वाला है, उस मंडे की 2 PM में क्या दिखा गया? कि ये वाला जो घड़ी था जो कि 2 मिनट लेट चल रही थी, अब वो फास्ट हो चुका है. कितने मिनट फास्ट हो चुका है? 4 मिनट 48 सेकेंड. कितने मिनट फास्ट हो चुका है? 4 मिनट 48 सेकेंड. समझ गए? ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन क्या बोलता है मुझे. क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा जाता है? यहां पर क्वेश्चन पूछता है मुझे व्हेन वाज इट करेक्ट. यानी कि व्हाट वाज द करेक्ट टाइम द फॉल्टी क्लॉक शोज. यानी कि ये घड़ी जो इस तरह था ना, यहां से माइनस मैंने देखा एक मंडे को 12 बजे में 2 मिनट लेट था. उसके अगली हफ्ते में मंडे को देखा 2 बजे में वो 4 मिनट 48 सेकंड फास्ट हो चुका है. अब ये पूछ रहा है ये जो यहाँ से माइनस था यहाँ से जाके फास्ट बना, इसके अंदर कौन से एक जगह है जहाँ पर ये घड़ी सही था? समझ गए? समझे या फिर नहीं? अब चलो इस तरफ के क्वेश्चंस को पहले समझते हैं कैसे करना है, उसके बाद फॉर्मूले बता दूंगा, डायरेक्ट करवा लेना. ठीक है, अब देखिए पहले इसको हम एक लाइन ऑफ नंबर के तहत समझते हैं. लाइन ऑफ नंबर में देखो इनिशियली कितने मिनट थे. ये लाइन ऑफ नंबर में मैं यहां पर एक जीरो मान लेता हूं. 2 मिनट लेट था यानी कि यहां पर मैं लेट का कंडीशन लेता हूं तो ये माइनस टू है. ये लेट का कंडीशन है. यहां से फास्ट है यानी कि 1 2 3 4 5, ये जो 4/48 है यानी कि यहीं पर कहीं पर आएगा, यहीं पे कहीं पे आएगा, जिसको मैं 4 48/60 लिख सकता हूं. ये 48/60 क्यों लिखा मैंने? ये 48 सेकेंड है और हमें पता है क्लॉक के सारे कंडीशंस 60 में डिविजिबल होकर रहते हैं. जैसे कि 1 घंटा 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड, तो सारे के सारे 60 में होते हैं ना. यानी कि ये बना हमारा कितना बना? 4/48/60. अब मुझे बताइए ये जो टोटल डिस्टेंस है घड़ी ने ट्रैवल की हुई है, ये जो टोटल डिस्टेंस इस घड़ी ने ट्रैवल की गई है, ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? ये टोटल ट्रैवल करता है मेरा 6 मिनट एंड 48 सेकेंड. ये कितना ट्रैवल किया? 6 मिनट एंड 48 सेकेंड. यानी कि आपको समझा देता हूं, इस तरह देखिए, मैंने दोनों लोग, दो लोग हैं यहां पर, एक अपने एक
स्पीड में भाग रहा है और दूसरा लोग है जो इससे पीछे भाग रहा था, कब, मंडे 12 बजे 2 मीटर पीछे था। जब तक उसके अगले हफ्ते की मंडे 2 बजे मैंने क्या देखा, ये इसको क्रॉस करके आगे चला गया है। अब मुझे ये चीज जानना है, ये जब इसको क्रॉस किया ना, यहां से जाके जब इसको क्रॉस किया ये वाला समय कितना था। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ये जब क्रॉस किया ये वाला समय कितना था। अब देखिए यहां से मैं टोटल निकाल दिया कि इसको टोटल कितने दूरी ये ट्रेवल किया हुआ है। पहले था माइनस में यानी कि लेट में, पहले था लेट में, अब हो चुका है फास्ट, यानी कि माइनस 2 से प्लस 4 48/60, यानी कि वो टोटल 6 मिनट 48 सेकंड का दूरी तय कर चुकी है। अच्छा, इतने दूरी तय करने के लिए इसको कितना वक्त लगा, पहले ये ढूंढते हैं, इतने दूरी तय करने के लिए इसको कितना वक्त लगा। अच्छा, मैं वक्त का अभी एक और एक लाइन बनवा देता हूं, ये वक्त का लाइन बना रहा हूं मैं। कहां पर था, मैंने इसको मंडे में ट्रेस किया था, कब, 12 नून को। उसके बाद फिर जाके कब मुझे ट्रेस किया मैंने उसको, अगले हफ्ते के मंडे को, और कब, 2 PM में। अच्छा, आप बताइए टोटल कितने घंटे हुए। पहले बताइए एक मंडे से दूसरे हफ्ते के मंडे की, अगर यहां पर 12 नून था, ये जो 2 PM 12 के बाद आया होगा ना, यानी कि ये जो मंडे के 12 से पहले मंडे का ये 12 वाला नून आ चुका होगा, ये वही नून है, ये क्या है, नून है। यानी कि ये पूरे के पूरे कितने घंटे हुए, ये पूरे के पूरे मेरा बनेगा 24 आवर इंटू 7 दिन, या फिर नहीं, एक हफ्ता यानी कि 7 दिन, 24 इंटू 7, ये मेरा बनेगा कितना, 168 आवर। ये मेरा कितना बनेगा, 168 आवर। अभी बताता हूं, ये चीज को देखिए, अब ये वाला चीज को देखिए आप, यहां तो खत्म नहीं हो गया ना, फिर मंडे से यहां तक, मंडे तक जाना है। अब यहां तक अगर मंडे तक जाएंगे, ये एक्स्ट्रा 2 आवर है, ये एक्स्ट्रा कितना आवर है, 2 आवर। यानी कि अगर मैं इसका पूरा मिलता जुलता लेखा जोखा ले लूं तो ये मेरा बनता है 170 आवर। ये कितना बनता है मेरा, 170 आवर। यानी कि यहां से मुझे 3 चीजें कंसिडर करना है, क्या क्या चीजें कंसिडर करना है, ये मेरा बना टोटल ट्रैवल, ये मेरा क्या बना, टोटल ट्रैवल, यानी कि वो जो घड़ी है ना वो कितना ट्रैवल की, वो ट्रैवल की है 6 मिनट 48 सेकंड। यानी कि क्या ट्रैवल की गई है, यानी कि वो जो दूरी यहां से माइनस 2 को ट्रैवल किया है, यहां से प्लस 4 मिनट 48 सेकंड ट्रैवल किया है, जो कि टोटल मेरा डिस्टेंस कितना होता है, 6 मिनट 48/60, समझ गए। उसके बाद ये वाला चीज, ये होता है टोटल टाइम, यानी कि ये सारे ट्रैवल करने के लिए इसको कितना वक्त लगा, तो टोटल टाइम मेरे को लगता है 170 आवर। 170 आवर। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन इट वाज करेक्ट, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन इट वाज करेक्ट। जब इस तरह का क्वेश्चन दी गई हो, आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं, बस यही पर पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। टू फाइंड द करेक्ट टाइम, बस इसी को पुट करना इनिशियल लेट और फास्ट डिवाइडेड बाय टोटल ट्रैवल इनटू टोटल टाइम। बस ये सारे चीजों को यहां पर पुट कर देना, जो भी आंसर होगा वही होगा आपका आंसर। ठीक है, क्या लिखा है, इनिशियल लेट और फास्ट डिवाइडेड बाय टोटल ट्रैवल इनटू टाइम, टोटल टाइम। अभी देखिए ये कितना है, टोटल इनिशियल लेट और फास्ट क्या था, लेट था, कितना था, 2 मिनट लेट था, सो 2 डिवाइडेड बाय टोटल ट्रैवल कितना है, टोटल ट्रैवल है 6 मिनट 48 सेकंड, तो इसको मैं 6/48/60 लिख सकता हूं। ये पूरा मिनट में कन्वर्ट कर दिया, यूनिट को हमेशा सेम ही सेम रखना। इसके बाद इनटू ये टोटल टाइम कितना है मेरा, 170, तो ये है 170। इसको अगर मैं सॉल्व करने निकलूं तो ये बनेगा 2, ये 6/2, इसको मैं 12 से अगर डिवाइड कर लूं तो होगा 12^5/60, ये होगा मेरा 4, सो इनटू अगेन 170। देन इसको अगर निकलूं, ये बनेगा मेरा 2 डिवाइडेड बाय, ये बनेगा 5,
ये 30, 34 इंटू 170 जो कि मेरे को आएगा, ये अगर 5 यहां पर 10 हो जाएगा, ये 34 मेरा 5 देगा, सो टोटल मेरा हो जाएगा 50 आवर्स। टोटल मेरा कितना बनेगा? 50 आवर्स। ये बताओ ना, ये 5 ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, 34 से 170, 34 गुनी 5, तो 5 गुनी 10 कितना होगा? 50 आवर। ये 50 आवर का मतलब क्या है? ये 50 आवर का मतलब है यहां से 50 घंटे के बाद जो वक्त आएगा वहां पर वो घड़ी मुझे सही टाइम दिखा रहा होगा। यहां से 50 घंटे के बाद जो टाइम आएगा वहां पर मुझे घड़ी सही वक्त दिखा रहा होगा। तो चलिए इसमें ऐड कर देते हैं 50 आवर, जो भी मुझे आएगा वही होगा मेरा डायरेक्ट आंसर। तो यहां पर ऐड करते हैं हम अभी 50 आवर। सो मंडे का 12 बजे में, मंडे की 12 बजे में मैं ऐड कर रहा हूं 50 आवर। तो अगर 50 आवर ऐड करूं, 50 घंटे को मैं इस तरह करवा सकता हूं, 48 घंटे प्लस 2 घंटे, 48 घंटे प्लस 2 घंटे। अब 48 में क्यों कर रहा हूं? हर एक दिन मेरा कितने का होता है? 24 घंटे का होता है। हर एक दिन कितने का होता है? 24 घंटे का होता है। यानी कि 24 के कोई भी मल्टीपल हो तो उतने दिन, यानी कि 48 घंटा का मतलब 2 दिन, इसके बाद 2 दिन 2 घंटे ज्यादा। मंडे से 2 दिन कितना हो जाएगा? मंडे से 2 दिन 12 बजे है, मंडे के 12 बजे से 2 दिन वो बनेगा आपका वेडनेसडे का 12 का नून, उसके बाद 2 घंटे, यानी कि ये आपका आंसर देगा वेडनेसडे का 2 PM। ये क्या आंसर देगा? वेडनेसडे का 2 PM। समझे या फिर नहीं? आंसर क्या देगा? वेडनेसडे का 2 PM। अभी बताइए, ये वाला जो हमने आंसर निकाला, ये आंसर ऑप्शन में है या फिर नहीं है? यहीं पर है या नहीं? 2 PM ऑन वेडनेसडे, यानी कि ये जो हफ्ता हमने तैयार किया था ना, उस हफ्ते के वेडनेसडे के 2 PM को घड़ी एक्चुअल टाइम दिखाएगा। यानी कि ये इस तरह से इसको क्रॉस की हुई है ना, ये था आपका मंडे का 12 बजे जब 2 मिनट लेट था, ये था उसके अगले हफ्ते का मंडे का 2 PM जब 4 मिनट 48 सेकंड फास्ट था। लेकिन जब ये इसको क्रॉस किया हुआ है ना, यही वाला वक्त, ये वक्त था बुधवार के 2 PM। समझ गए? बस कुछ नहीं करना है, बस ए वाला चीज से निकालो पहले टोटल ट्रैवल, कितना ट्रैवल किया गया है, यहां से निकालो क्या टोटल कितने घंटे लिए हुए हैं, टोटल टाइम कितना है, बस ए प्रोसीजर को यहां पर डाल देना। क्या इनिशियल लेट और फास्ट, ये लेट था, क्वेश्चन में फास्ट भी आता है, यहां पर फास्ट होके यहां पर लेट होगा या फिर यहां पर लेट होगा यहां पर फास्ट होगा? आप ये बताओगे सर लेट से लेट। अब ये देखिए, यह मैं लेट था, कुछ देर बाद देखा फिर से लेट हूं, इसको तो मैंने क्रॉस ही नहीं किया तो सही वक्त आएगा ही नहीं, और यहां पर मैं फास्ट था उसके बाद फिर से फास्ट हूं, इसको तो मैंने, इसके तो आगे आगे चल चुका हूं ना, तो इसको कभी क्रॉस करने का वक्त आएगा क्या? तो क्वेश्चन में ना एक जरूर लेट होगा, एक जरूर फास्ट होगा। इनिशियल में जो होगा, लेट हो या फिर फास्ट, उसी को न्यूमरेटर में लेना, डिनोमिनेटर में लेना टोटल ट्रैवल, यानी कि वो लेट से फास्ट होने तक या फिर फास्ट से लेट होने तक कितने वक्त लिया है उसको ही लेना, इसको डिनोमिनेटर में डाल देना, उसके बाद मल्टीप्लाई करना। क्या मल्टीप्लाई करना? टोटल टाइम, कितना वक्त लिया है ये मंडे से ये वाला मंडे के 2 बजे तक कितना वक्त था? 170 आवर। यहां पर 170 आवर का वक्त लगवा देना, जो तुम्हें आंसर आएगा उतने घंटे के बाद तुम्हारा घड़ी सही वक्त दिखाएगा। कहां से? इनिशियल से। बस 50 आवर को यहां पर ऐड कर देना, जो भी आए वही होगा आपका आंसर। समझ गए? ए वाले क्वेश्चंस अब इस तरह पे, रेलवे पे, एसएससी पे, सीजीएल, जहां पर जाए, एएसओ के एग्जाम्स, कितने भी एसएससी पार्टन के जो भी एग्जाम्स होते हैं, सब में इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये अपना एक नया वाला कंडीशन है और ये इसका ट्रिक है, इसको याद रख लेना, एक नंबर आपका है। जो नहीं सीख पाए हैं आप उनके आगे चले जाएंगे, ठीक है? सो दिस इज वी आर रिप्रेजेंटेटिव बाणिंगाट हियर। हम क्लास में चल, हमारा भी चलता है, एसएससी का चलता है, रेलवे का चलता है, सबका चलता है। आप आके अगर कोर्स में आते हो तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन है जो कि हम सॉल्व करेंगे, नए नए ट्रिक्स फॉलो करेंगे, आसानी से 1 या 2 मिनट में इसको सॉल्व करके रखेंगे, ठीक है? थैंक यू।